आप जरूर देखे ये किसने ऐसे पकड़ा तमीज है कोई सलीम परे साहब सलीम परे साहब सलीम परे साहब एडवोकेट सलीम परे साहब एडवोकेट सलीम परे साहब एडवोकेट सलीम परे साहब हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद सलीम परे साहब जिंदाबाद एडवोकेट सलीम परे साहब जिंदाबाद डीपी एबी जिंदाबाद डीपी एबी जिंदाबाद आजाद साहब जिंदाबाद आजाद साहब जिंदाबाद एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे साहब एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे साहब परे साहब परे साहब। एक महीना पहले मैं यहाँ आया था, मंडी वगैरह बाकी जगहों पे रात को भी यहाँ रहे थे, बहुत अच्छी मीटिंगें हुई थी, लेकिन आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और कैंपेन में हम पहली दफा आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे कैंडिडेट सलीम एडवोकेट सलीम परे साहब हैं जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उसके साथ साथ हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और ये इलेक्टेड डीडीसी मेंबर जो बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस है वेरीनाथ डोरू वेरीनाथ, वहाँ से हमारे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी के इलेक्टेड मेंबर हैं और जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी स्टेट जनशक्ति है, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एक्स ये भी एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये जुगल किशोर जी भी एक्स मिनिस्टर हैं और हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं फारूक साहब, हमारे पार्टी के बहुत जनशक्ति हैं जोन के, और एडवोकेट दूसरे ये हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं और वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं चौधरी साहब चौधरी मसूद साहब, और बहुत पुराने साथी हमारे जमाने के, और मीडिया के हमारे प्रिंट मीडिया के इंचार्ज और सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी हमारे चोपड़ा साहब और बाकी आप सब। तो बहुत खुशी हुई, मेरे आने का प्रोग्राम हम दोनों का 10-12 दिन से चल रहा था, लेकिन इतनी बारिशें थी कश्मीर में, जब बारिश होती थी और पुंछ में बारिश होती थी तो पीर पंचाल पे और मुगल रोड पे बर्फ गिरी होती थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जितने भी हमारे पहाड़ हैं जो बीच में आ जाते हैं हमारे कई कनेक्शन में, चाहे वो साधना का पहाड़ हो जो हमारे दो कॉन्स्टिट्यूंसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उधर बंद कर देता है बर्फ की वजह से, दूसरा हमारा सिंथन हो और भी चार पाँच, लेकिन सबसे ऊंचा ये पहाड़ है 11,500, तो जिसकी वजह से हमने बहुत इंतज़ार किया कि रोड क्लियर हो जाए। काश इलेक्शन कमीशन ने पहले ये सोचा होता कि मई मिडल तक तो ये रोड खुलते नहीं है, तो पहले इनको छठे साथ में फेज में रखना चाहिए था इलेक्शन। तो यहाँ आने में 4 दिन लगे, अब जाने में भी 3-4 दिन लगेंगे, 2-3 रातें लगेंगी, बड़ा समय चला गया इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजौरी पुंछ के ये पीर पंचाल के लोग मिले हैं ज्योग्राफी तौर पर साउथ कश्मीर से, अगर यहाँ जोर से सीटी मारें तो
साउथ कश्मीर वाले सुनेंगे और साउथ कश्मीर वाले जरा जोर से अजान पढ़े तो यहाँ पुंछ वाले में पुंछ वाले सुनेंगे, या गुरबानी पढ़ेंगे तो वहाँ सुनेंगे, या हमारे हिंदू भाई घंटी जोर से बजाएंगे तो वहाँ सुनेंगे। इतनी दूरी पे हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ठीक है, ये दूरियाँ और भी नज़दीकियों में बदल जाएगा जब यहाँ टनल बनेगा। उसके लिए हमने जद्दोजहद करनी है, आपने जद्दोजहद करने है, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें बदलने जाना क्या कि नहीं जाना ये बीजेपी बताएगी। एनसी मैं और महबूबा जी एक गठबंधन का हिस्सा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बूढ़े को एक दांत निकलता है तो पहले उसका लोन साहब थे वो निकल गए, फिर एक महबूबा जी निकल गई, अब दूसरा एक ही दांत रहा है वो कब निकल जाएगा। तो ये उनकी मर्जी है, हमारा मेरा अलायंस न लेफ्ट से था न राइट से था न सेंटर से था। हमारी पार्टी आज़ाद है, हम सोच हमारी आज़ाद है, हम इंडिपेंडेंट सोच से और न किसी पॉलिटिकल के साथ अंदर से न बाहर से हमारा अलायंस नहीं है। सर महबूबा जी का ये कहना मुख्यमंत्री बीजेपी की, वो बीजेपी की मुख्यमंत्री उनके वालिद साहब और बीजेपी का मैं हो गया। अपने आप से पूछे, उमर साहब बीजेपी के 6 साल मंत्री, अरे कम से कम कैसे ये बोलते हैं सब लोग। मैं अगर रहा होता तो मैं बुरके में चलता, ये कफन फाड़ के चलते हैं। खुद बीजेपी के साथ 6-6 7-7 साल हुकूमत करते, उनके वोट से उल्टे चोर कोतवाल को डांटे।